भाई मस्त यार ओपी भाई, ये गाड़ी तो भाई बंदे ने देकर मुझे काफ़ी ज़्यादा सही काम किया है। एंड जस्ट इसके ब्रेक लगाते हैं, इस गाड़ी को रोकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक इन ए न्यू स्टोरी वीडियो। तो गाइस आज के दिन मैं बाई करने वाला हूँ एक फ्लाइंग कार जो कि रियली में भी उड़ने वाली है। एंड वो जो फ्लाइंग कार के पीछे की कुछ स्टोरी ऐसी है, जो मेरा फ्रेंड आया हुआ है उस दूसरी सिटी से, हमारी सिटी में यानी कि पास ही के टाउन में रहता है वो, तो वहाँ पे उसके पास जो एक फ्लाइंग कार है। एंड आज के दिन मेरा बर्थडे है, तो मैं उससे गिफ्ट में वो लेने वाला हूँ। गिफ्ट में नहीं, वैसे गिफ्ट वो देगा या नहीं देगा उससे हमें कुछ नहीं, बट हम लेने वाले हैं उससे वो फ्लाइंग कार। एंड यहाँ पे आप मेरे पास देख सकते हो, यहाँ पे मेरा छोटा सा कार कलेक्शन उससे पहले, बट यहाँ पे हमारे पास रखी हुई है रोल्स रॉयल्स रेड कलर, रेंज रोवर रेड कलर में, और यहाँ पे फरारी रेड कलर में, जो कि यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको कौन सी का गिरा है, बट फरारी बोल सकते हो। एंड यहाँ पे रखी हुई हमारी जो टार्जन, एंड यहाँ पे पोर्च एंड ओडी। तो यहाँ पे अभी मैं अभी लेके जाने वाला हूँ अपनी रोल्स रॉयल्स को अपने फ्रेंड के पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन हो चुका है अभी तो, बट काफ़ी पहले वो एक रेसर था। तो अभी चलते उससे मिलने, जब से वो दूसरी सिटी में गया है उसने रेसिंग का पूरा काम छोड़ दिया है, बट पता नहीं उसमें वो अभी भी रेसिंग में पार्टिसिपेंट करता होगा तो हमें अभी पता नहीं। तो गाइस वीडियो यदि जो कि यदि आप इंटरेस्टेड हो फ्लाइंग बाइक में, तो फ्लाइंग बाइक देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए किस किस को फ्लाइंग बाइक अच्छी लगती है। वो बुगाटी से मेरी गाड़ी से थोड़ी सी टक्कर हुई थी। एंड ये वो सिटी जहाँ पर वो मेरा फ्रेंड रहता है, सिटी नहीं भाई सॉरी गांव, सॉरी टाउन कस्बा, जो कि यहाँ पे एक पब्लिक पार्किंग है, यहाँ पे हम अपनी रोल्स रॉयल्स को लगा देते हैं। एंड ये जस्ट सामने रही उसकी फैक्ट्री शायद, और ये यहाँ पे ही होगा वो, एंड ये है पब्लिक पार्किंग। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी को इजीली, अबे यार बम्पर टूट गया भाई, यार क्या है यार ये, यहाँ पे भाई इतनी सी स्पेस नहीं यार, मुझे यहाँ पे अपनी कोई एसयूवी लानी थी, वैसी पता होती तो भाई कितना खर्चा आएगा यार इसमें पता नहीं यार अब। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया है अपना, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे यार इन यहाँ लोगों की कंप्लेन करनी होगी यार, कैसे कैसे बना रखते हैं यार पार्किंग। वैसे हम ही तो रख रहे हो तो उन्होंने फ्री सर्विस प्रोवाइड किया हमें, कोई बात नहीं। जस्ट ये रहा सामने हमारा फ्रेंड, एंड इससे बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी इससे बात हो चुकी है, इसने बोला है कि तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हें जो फ्लाइंग बाइक इजीली दे दूँगा। तो उस बंदे ने बताया है कि यदि तुम मेरी जो एक सुपर कार है, मैं इसकी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। स्टोरी कुछ ऐसी है, ये बंदा है काफ़ी टाइम पहले एक बहुत ही खतरनाक रेसर था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड इसी का एक वो जो कंपटीटर था, और उसके पास मतलब पहले तो ये दोनों का भी फर्स्ट सेकंड आते रहते थे, बट ज़्यादातर यही फर्स्ट आता था। और जब से उस बंदे ने एक सुपर कार खरीदी है, तब से वही बंदा हमेशा उस रेसिंग में फर्स्ट आ रहा है। तो अभी वो जो रेसिंग कार है उस बंदे की हमें चुरानी है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है बट वो डिफरेंट कलर की है। एंड वो बंदा मतलब, और वो जो बंदा है अभी रहता है यहाँ पे विलेज साइड पे। अबे यार मेरी गाड़ी डिसकंट्रोल हो गई, आप इससे बात मतलब स्टोरी के चक्कर में। हाँ तो गाइस वो जो बंदा ही रहता है यहाँ पे एक विलेज में, तो उस विलेज में चलते हैं और उस विलेज से यहाँ पे हम उस बंदे से वो गाड़ी को चुरा लेंगे एंड उसको ले जाके दे देंगे, और उसके बाद वो हमको फ्लाइंग बाइक दे देगा। तो यहीं कहीं है वो, तो पहले इधर से घूम के आते हैं। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान कर लिया अपना, जस्ट सामने का बम्पर टूटा है छोटा सा, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आने वाला है। और ये कुछ विलेज बताया है, वो बंदा बोल रहा था काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का शौकीन है, गाड़ियों का शौकीन से मतलब रेसर है एक, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा रेसिंग कार्स एंड बाइक्स होंगी। तो यहीं कहीं है, तो उसमें से हमें एक लैम्बोर्गिनी मतलब उसने कुछ फ़ोटोज़ दिखाई है मुझे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो यहीं कहीं होनी चाहिए यार इधर। तो गाइस यहाँ से मैं एक थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो गाइस यहीं कहीं इसका हाउस है, एंड यहाँ से राइट या ओवे वहाँ पे रखी हुई है कोई सी दो गाड़ियाँ, बट मुझे इजीली वहाँ पे नहीं जाना होगा। अबे यार मैं भी अपनी रोल्स रॉयल्स को लेके आया, मतलब मुझे कोई दूसरी गाड़ी लेके आनी थी, इस गाड़ी को रखता हूँ मैं थोड़ी सी यहाँ पे छुपा कर। एंड अबे यार इतनी महंगी गाड़ी, बट और वो जो बंदे की गाड़ी वहाँ पर रखी है, और मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर इस हाउस के पीछे लगा के रख देता हूँ ताकि कोई। तो गाइस मैंने गाड़ी को यहाँ पे लगा दी, एंड अबे यार
एंड अब भी चलते हैं उस गाड़ी को चुराने के लिए, बट उससे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई है तो नहीं वहाँ पर। और भाई बंदे के पास रखी तो ये गाड़ी भाई रेसर है, बहुत ही ख़तरनाक रेसर लग रहा है। मुझे लगता है कार के साथ बाइक से भी रेसिंग करता है, बट यहाँ पे वो बंदा दिखाई तो नहीं दे रहा है। एंड इससे गाड़ी चुरा लेते हैं जल्दी से, और जल्दी से चलते हैं, बैठते हैं इसकी गाड़ी में और भाई लेके चलते हैं इससे। एंड अबे इसकी गाड़ी भाई कावासाकी निंजा भाई ZX10R भाई, भाई भयंकर गाड़ी है यार वो भी। और भाई क्या गाड़ी है यार इस बंदे के पास भाई। यार इसकी सीट्स देखो आप तो भाई मस्त है यार। यार क्या ही बोलूं इस गाड़ी के बारे में। और अभी अबे बस ठुक नहीं जाए, इसमें थोड़ा सा भी डेंट नहीं आना चाहिए, वरना पता नहीं वो बोल देगा मैं नहीं देने वाला फ्लाइंग बाइक। एंड उस बंद अबे यार क्या स्पीड है इसके अंदर। हाँ वैसे रेसिंग कार है तो भाई स्पीड तो होगी सही इसके अंदर। एंड जल्दी से चल के उसको ये गाड़ी दे देते हैं, और वो हमको दे देगा हमारी फ्लाइंग बाइक, एंड उसको हम लेके भाई उड़ेंगे आकाश में। एंड ये यहाँ रहा, यहाँ पे खड़ा हुआ है यार, इसको यहाँ पे भाई ओबे भाई इतना से चढ़ने में दिक्कत आ गई भाई, यहाँ पे क्या चढ़ेगी है भाई। वैसे ये करेगा क्या यार उसको, ओ भाई भाई बंद भाई इसका ये जो सामने वाला टूट जाता, वैसे तो थोड़ी सी भी ऊपर नहीं चढ़ने वाली है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, बोलेगा कि क्या ही कर रहा है मेरी गाड़ी, मतलब चोरी की गाड़ी के साथ। एंड इसके साथ इसके पास चलते हैं भाई, क्या ही डोर ओपन होता है इसका। एंड इससे बात कर लेता हूँ जस्ट। अबे ए यार इसकी बचपन की हरकतें नहीं गई भाई, बंदे ने पूरे पेट में ऐसे चीटी काटी में नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, इससे बात करते हैं, अभी नहीं करेगा इसकी हरकत में। तो गाइस इस बंदे से बात हो चुकी है, एंड इसने बताया है, मतलब हमारे फ्रेंड से बात हो चुकी है, इसने बताया है कि तुम इस गाड़ी को यहाँ पे साइड में इसके गैराज में लगा दो, एंड उसके बाद ये इस गाड़ी को कहीं बगल मतलब किसी भी सीक्रेट प्लेस पे ले जाकर रख देगा काफ़ी टाइम के लिए, एंड कलर वलर चेंज करवा देगा। तब तक के लिए हम इस गाड़ी को यहाँ पर रख देते हैं इसके गैराज के अंदर, और वैसे फुली ओपन गैराज है, यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ रख सकते हैं हम। और उसके बाद बोलता है हम बात करते हैं भाई, बंदे ने नहीं बोली कि तुम ले जा सकते हो, बट कोई बात नहीं, वैसे तो हमारा फ्रेंड है और ट्रस्टेड बंदा है, तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली दे देगा हमें। तो गाइस इससे बात हो चुकी है, इसने बताया है कि आप तुम अभी मेरी गाड़ी ले जाकर एक सीक्रेट सी प्लेस बताइए, उसने कि अभी मेरे यहाँ पे एक कार रखी हुई है, तुम उसको ले जाकर वहाँ पे जा सकते हो, एंड वो बाइक ले सकते हो, फ्लाइंग बाइक ले सकते हो। एंड इसकी पता नहीं कहाँ पे रखी हुई है इसकी कार, वैसे इसकी कार ले जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ रास्ते से किसी की भी गाड़ी उठाते हैं और भाई लेके चलते हैं। एंड अबे भाई तू अभी तो गया भाई, अभी सबके सामने यहाँ पे वूपन का यूज़ नहीं कर सकते, वैसे पुलिस आ गई है तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ ये बात ठीक है कि जैसे हमने उस रेसर के सामने मतलब रेसर के घर से गाड़ी चुराई, तब वहाँ पे कोई नहीं था, यदि वहाँ पे कोई देख लेता तो हमारे पीछे पुलिस पड़ जाती, एंड फिर तो आपको पता ही है क्या ही सीन हो जाता। एंड यहाँ से हमको जाना होगा, वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा घूम के जा रहा हूँ, वहाँ से स्ट्रेट भी जा सकता था। एंड यहाँ से लेते हैं राइट, काफ़ी ज़्यादा दूर है वैसे उसने जो सीक्रेट प्लेस दिखाई है वो, वहाँ पे चलते हैं और वो फ्लाइंग बाइक लेते हैं। सीक्रेट लोकेशन बताई है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी को। एंड जस्ट ये रही हमारी पार्किंग है भाई, कोई कंपनी है पता नहीं, फैक्ट्री जो भी बोल सकते हैं वैसे। एंड अभी चलते हैं सीक्रेट लोकेशन पे, उस बंदे ने बोली कि तुम गाड़ी अंदर लेके बिल्कुल मत जाना वहाँ पर, मतलब पैदल जाना ऐसे बंदों को शक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ हो सकती है जल्दी से भाई, यहाँ पे कुछ है ऐसा टर्नल जैसा, बट भाई यहाँ पे कोई गाड़ी दिखाई दी वैसे कोई है तो नहीं यहाँ पे। एंड भाई मैं भी ऐसे छुप छुप के जाना पड़ेगा मुझे। एंड जस्ट सामने मुझे कोई बाइक दिखाई दी थी, एंड ओ भाई साहब भाई नेक्स्ट लेवल यार, इसका इंजन देखो आप भाई, इंजन भाई यार इसमें एक कार जितना वजन होगा, वैसे ये तो ज़्यादा हुआ है, बट इसके सामने भाई एग्जॉस्ट कितना भयंकर लगा हुआ है भाई दोनों तरफ। अरे इसको फ्लाई कैसे करूँगा यार मैं, मुझे फ्लाई करना तो आता ही नहीं। एंड जस्ट इसको लेके चलता हूँ मैं अपने घर के यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसको फ्लाई करके देखूँगा। तो गाइस यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं हेलमेट, और अभी मैं रेडी हूँ इस गाड़ी को फुली फ्लाई करने के लिए।
एंड उसके लिए अभी मेरे को इस मतलब अभी मुझे इस गाड़ी को ले जाना होगा सीधे इस रैंप पे। एंड अभी पहले छोटे से रैंप से ट्राई करने की सोच रहा था, बट भाई इस बाइक में रिवर्स गियर भी है, वैसे नो प्रॉब्लम। एंड अबे जस्ट अबे यार, अरे नहीं अरे रिवर्स नहीं भाई यार, रिवर्स नहीं उड़ानी इसको। अरे क्या ही सीन है यार इस बाइक का। यस नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अबे मुझे इस गाड़ी को रिवर्स नहीं उड़ानी थी यार, काफी ज्यादा सही है। एंड अभी जल्दी से इस गाड़ी को भाई रैंप पे लेके चलते हैं, गाड़ी के टायर नीचे टिके तभी तो गाड़ी सड़क पे चलेगी भाई रास्ते पे। एंड इससे व्हीली करने का ट्राई करें तो भाई क्या ही? भाई सुपर एंड जस्ट। अबे यार ये गाड़ी भी यदि अबे व्हीली भाई मस्त यार, ओपी भाई। ये गाड़ी तो भाई बंदे ने देकर मुझे काफ़ी ज़्यादा सही काम किया है। एंड जस्ट इसके ब्रेक लगाते हैं, इस गाड़ी को रोकते हैं एंड ट्राई करते हैं, भाई गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लग रहा, मैंने फुली प्रेस कर दिया। एंड जस्ट सामने अभी यहाँ पे हमारे पास एक सुपर मेगा रैंप, एंड इसके ऊपर ले जाके देखते हैं क्या इसके ऊपर से इजीली फ्लाई कर सकती है गाड़ी। एंड यहाँ पे मैंने दे दी इस गाड़ी में फुली रेस, एंड यहाँ पर रेडी हम फ्लाई करने के लिए। भाई बंदा नहीं गिर जाए, और ऐसे हेलमेट लगा लिया बट जैकेट नहीं पहनी हमने। अबे नीचे भी आ जा थोड़ी बहुत। यहाँ पे मैंने ब्रेक प्रेस कर दिया है बट गाड़ी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस 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 इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। एंड इसको नीचे ले जाने के लिए थोड़ा सा ऐसे करना होगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो है भाई यार ये। एंड आप देख सकते हो गाड़ी यहाँ पे आसमान की ऊंचाइयों में। एंड भाई अबे चलेगी तू नीचे? और यहाँ पे आप इस गाड़ी से यहाँ पे स्काई में भी व्हीली कर सकते हो, बट सॉरी स्काई में भी इससे ड्रिफ्ट लगा सकते हो, बट यहाँ पे आपको मज़े उतने ज़्यादा आने वाले, उससे भी 10 गुने ज़्यादा आने वाले हैं यहाँ पे। वो काफ़ी ज़्यादा सही थिंग्स है, और ये आप इसे गाड़ी को भी पलट सकते हो, सुला सकते हो काफ़ी ज़्यादा, ये भाई आकाश की सैर कर सकते हो। और नीचे भी जाना हो तो